दे रहा है, बट लेकिन उनको पर्सनली इनवाइट तो नहीं किया गया जैसे सभी नेताओं को किया गया। क्या उन्होंने बताया है क्या इस बार आरजेडी को, क्या उन्होंने इनवाइट किया है क्या? का विरोध हो रहा है जो राम नाम पर लूट कर रहा है, राम पे विरोध, भक्त पे, भगवान पे कोई विरोधी नहीं है। गैर मुस्लिम समझे, आतंकवादी समझे या बदमाश जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं, 80% मुस्लिम खुश है, 80% मुस्लिम खुश है। वो 20% वो नहीं ना खुश है। ये लोग राजनीति करता है तो राजनीति करने वाले तो कोई पर्तक नहीं है। हर इंसान का अपना अपना नीति होता है, कोई कुछ भी बोलता हो, लेकिन जो सनातन धर्म मानते हैं, जो हिंदू धर्म में है, और राम मंदिर के प्रति तो कभी कोई खिलाफ रहेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। अभी देखिए इस वक्त हम पटना के सड़कों पर हैं और यहां पे तमाम पब्लिक लोग मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि राम मंदिर का चर्चा अभी देश दुनिया में जोरों शोरों से चल रहा है, राम मंदिर को लेकर के वह क्या सोचते हैं, और तमाम जो विपक्ष दल हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं इस बात को लेकर के, इग्नोर कर रहे हैं, और उनको जो भी निमंत्रण आया है उसको बहिष्कार कर रहे हैं, उनके बारे में वो क्या सोचते हैं? राम मंदिर अभी बन रहा है, क्या बोलना? कुछ नहीं, राम मंदिर बना तो बहुत अच्छी बात है, कुछ थोड़ी कोई खराबी तो है नहीं। अच्छा, जो आरजेडी के लोग हैं वो लगातार इस पे मतलब बयान दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अपना अपना हर इंसान का अपना अपना नीति होता है, कोई कुछ भी बोलता हो, लेकिन जो सनातन धर्म मानते हैं, जो हिंदू धर्म में है, और राम मंदिर के प्रति तो कभी कोई खिलाफ रहेगा नहीं। ये लोग राजनीति करता है तो राजनीति करने वाले तो कोई पर्तक नहीं है। अच्छा। उनका कोई मायने नहीं रखता इन लोगों का बात का। अच्छा, कैसा लग रहा है कि इतने सालों के बाद राम मंदिर? एकदम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निर्माण तो इतने सालों के बाद नहीं हुआ, बहुत पहले हुआ। आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हिंदू तत्व के लिए बहुत अच्छी बात है। राम मंदिर बन बोल रहे हैं विपक्ष, जो इसमें जो राजनीति होता है, जो गलत चीज है, राजनीतिक नहीं होना चाहिए। नहीं, एकदम नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। धरती पर अगर है तो ऐसा थोड़ी है, सबके लिए कामना है, सबके लिए मतलब परिपूर्ण सभा है। अच्छा किया है, अच्छा किया, बहुत बहुत साल के बाद में ही हुआ है। बहुत सारे मुस्लिम धर्मी इस चीज को लेकर खुश है, 80% मुस्लिम खुश है। वो 20% वो नहीं ना खुश है, जो मतलब अपने आप को चाहे जो भी समझे, अपने आप को जो भी समझे, गैर मुस्लिम समझे, आतंकवादी समझे या बदमाश जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं, 80% मुस्लिम खुश है, इससे कोई नाराजगी नहीं। राम, अभी जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, जिसकी चर्चा अभी देश विदेश में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, वो हो गया, हो गया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जो उनके पीछे आरजेडी के लोग हैं, इसको विरोध कर रहे हैं, उनको लेकर आप क्या? कोई विरोध नहीं कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है, वो उसका विरोध हो रहा है जो राम नाम पर लूट कर रहा है, राम पे विरोध, भक्त पे, भगवान पे कोई विरोधी नहीं है। तो क्यों लोग विरोधी लोग क्यों बात को? नहीं नहीं, वो विरोधी लोग को नहीं, वो लोग है कुछ जो राम नाम भी करते हैं, किसी को शोषण करते हैं, लूटते हैं, बेईमानी करते हैं, उस लोगों के लिए विरोधी है, भगवान के लिए विरोधी कोई नहीं है। भगवान के विरोधी कौन होगा? कोई नहीं होगा। कुछ लोग है जो एनी टाइम राम नाम करेंगे, लेकिन बेईमानी करना छोड़ेंगे नहीं, किसी गरीब को, कमजोर को लूटते रहेंगे। ऐसा लूट कर देंगे ना, वो झोपड़ी में रहने लायक भी नहीं रहता है, झोपड़ी भी तोड़ के ले जाते हो, ताकि प्लास्टिक भी कबाड़ी में बेचेंगे तो चाय पानी हो जाएगा। आप बताइए, आप अभी युवा हैं, राम मंदिर बन रहा है, उसको लेकर के आपके अंदर क्या सोच है? बहुत अच्छी सोच है, बनना चाहिए, हिंदू है और प्लस में स्टूडेंट है, तो राम जी आना ही चाहिए, हमारे वहाँ पे थे तो। अच्छा, जो आरजेडी के लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, उन विरोधियों के लिए आप क्या कहेंगे? आरजेडी वो मुद्दा है उनका, वो समझे क्यों विरोध कर रहे हैं। सारे नेता लोग इस चीज को विरोध कर रहे हैं, कितनों का निमंत्रण आया है, सोनिया गांधी जी ने भी इसको विरोध किया है, तो उसको लेकर उन लोगों को आप क्या कहते हैं? वो तो वो लोग जाने क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कोई रीजन होगा, नहीं कर रहा है तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम इसके सपोर्ट में होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं इसे यही बताना चाहूंगा कि ये जो बन रही है काफी प्रदर्शन दिखाने वाली है हमारे भारत के लिए, कि मतलब इस दृश्य में देखा गया कि पहली बार जो मतलब राम मंदिर जो बन रही है, इसके दृश्य ये देखा गया है कि मतलब बहुत सारे विलुप्त जो पक्षी थे, बहुत सारे जो हंस थंस, ये लोग आने लगे। अगर ऐसा अगर नहीं रहता तो कुछ तो भगवान में अंश नहीं रहता। मैं पे आने लगे? ये हमारे अयोध्या में आने लगे हैं, ऐसा क्यों आया वैसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उसके पूछे भी तो कुछ रीजन होना चाहिए। क्या रीजन है आप बताइए पहले?
कुछ तो ये प्रकृति का भी देन है या फिर कुछ यूं कहें कि भगवान में शक्ति है तो इसलिए भी आ सकते हैं। हाँ, तो ये इनका जो विरोध है, अब भगवान पे तो ब्लेम नहीं लगा सकते आप एक्चुअली, ये तो जनता का जनता तो बहुत सारे विरोधी लोग भी इस पे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम आरजेडी के कुछ नेताओं की बात करें तो उन लोग कुछ कटाक्ष मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, पहली बात कि क्या मोदी जी उनको इन्वाइट किए है क्या, जैसे विदेश को इन्वाइट किए हजार, उस हम लोग को मना किए है कि मतलब उस दिन आप ना आए तो बढ़िया रहेगा आपके, क्या उन्होंने बताया है क्या इस बार आरजेडी को, क्या उन्होंने इनवाइट किया है क्या? नहीं, सब बहुत सारे लोगों को निमंत्रण तो गया है, लेकिन उस पे अपनी प्रतिक्रिया है जो वो लोग दे रहे हैं, बट लेकिन उनको पर्सनली इनवाइट तो नहीं किया गया जैसे सभी नेताओं को किया गया, शायद उसके थ्रू वो अपोजिशन की थ्रू, मतलब उसके पीछे अपोजिशन पार्टी में है इसलिए आप बोल रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। और आपको क्या लगता है कि क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? एज ए स्टूडेंट मैं इतना ही जानता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता।